ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन पुलिस के साथ पिछले काफी समय से एक शातिर नशे का कारोबारी जिसका नाम राजेश है, वे आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। जिसकी गाड़ी में पिछले वर्ष चिट्टे की खेप पकड़ी गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास था कि सोलन में नेटवर्क फैलाकर नशे का काला कारोबार करने वाला यही राजेश है। इस व्यक्ति के बारे में पुलिस को पिछले काफी समय से गुप्त सूचनाएं भी मिल रही थी। यही वजह थी कि पुलिस ने राजेश की हर गतिविधि पर नजर रखी और उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाने आरंभ कर दिए, और अब जाकर उसे कामयाबी मिली है और उसे उचित जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही पुलिस ने दम लिया है। सोलन पुलिस के साथ पिछले काफी समय से एक शातिर नशे का कारोबारी जिसका नाम राकेश है, वह आंख मिचौली खेल रहा था। जिसकी गाड़ी में पिछले वर्ष चिट्टे की खेप पकड़ी गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास था कि सोलन में नेटवर्क फैलाकर नशे का काला कारोबार करने वाला यही राजेश है। इस व्यक्ति के बारे में पुलिस को पिछले काफी समय से गुप्त सूचनाएं भी मिल रही थी। यही वजह थी कि पुलिस ने राजेश की हर गतिविधि पर नजर रखी और उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाने आरंभ कर दिए, और अब जाकर उन्हें कामयाबी मिली है और उसे उचित जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष पुलिस द्वारा एक वाहन को पकड़ा गया था जिसमें भारी मात्रा में चिट्टा बरामद हुआ था, लेकिन उस गाड़ी का मालिक राजेश उसमें नहीं था और न ही उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई साक्ष्य थे। लेकिन पुलिस को पक्की सूचना थी कि सोलन में बड़े स्तर में नशे का काला कारोबार यही राजेश कर रहा है, जिसके चलते पुलिस ने अपना जाल बिछाया और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत एकत्र किए और आखिरकार उसे आज सबूतों के आधार पर पकड़ लिया गया है। हमारे पास यहाँ पे 7 दिसंबर 2019 को एक केस हुआ था जिसमें मिस्टर महेंद्र ठाकुर से, जो कि एक मिस्टर राजेश है, उसकी गाड़ी चला रहा था, उसमें से 43 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जिस व्यक्ति की वो गाड़ी है, इसका नाम राजेश उर्फ बातो है, 46 ईयर्स ओल्ड है ये, और ये जो है यहाँ पे बेरखास गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ एविडेंस आने पे, इसकी संलिप्तता उस केस में पाई गई, तो उस एविडेंस आने पे इसको गिरफ्तार किया गया है पिछले कल पुलिस द्वारा, और आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है और इसमें ये कोशिश की जा रही है कि ये व्यक्ति कब से इस जो नशे का व्यापार है उसमें संलिप्त है और कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े हैं। इसको निक नेम बातों के नाम से भी यहाँ पे सोलन में जाना जाता है।